ओके वेल थैंक यू डेफिनेटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड है एंड इट्स बीन रनिंग फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट टुडे एंड जहाँ तक कि लुक की बात है मुझे कुछ ट्रेडिशनल करना था साड़ी पहना था हैंडलूम विच इज़ डेफिनेटली मेड इन इंडिया टाइप्स सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग न्यू फॉर दिस अवार्ड एंड योर आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट डेफिनेटली बहुत मायने रखता है आई थिंक हर अवार्ड मायने रखता है बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो लोग पूरा साल मेहनत करते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं डेफिनेटली जब उन्हें अवार्ड मिलता है या अप्रिसिएशन मिलता है इट्स अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई थिंक एनी अवार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ डेफिनेटली इट्स बीन रनिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स एंड वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस फैमिली इज टेकिंग केयर ऑफ इट सो इट फील्स ग्रेट क्या हुआ है मैं क्या कहूँगी जो कहना दीपिका को कहना होगा वॉट विल आई डू आई फील अमेजिंग आई एम ग्लैड दैट इन बॉलीवुड आई मीन ऑफकोर्स आई वुड कंसिडर इवन टॉलीवुड कॉलीवुड समवे अ पार्ट ऑफ इंडिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड आई थिंक इट्स ग्रेट दैट इज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड विच इज अमेजिंग आई स्टिल कॉन्ट बिलीव दैट इट्स क्रॉस सो मच बट आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई थिंक बहुत सारे आज ही मैंने उनकी मेकिंग देखी है एंड द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट वन एंड पार्ट टू इज इट्स अ ग्रेट फिल्म एंड आई विश आई कुड बी अ पार्ट ऑफ सच फिल्म इन फ्यूचर Yes. Well, as I mentioned before, I'm doing a very small cameo with Akshay sir, and I'm very happy that after Vajah Tum Ho, whatever my popular perception was, people have thought about me something different, and they gave me a village look. So I am really excited. It's a very small special appearance with him, but it's a nice comedy romantic scene, and I'm sure people will love it. It's come out very nice. Thank you. Thank you.